नीतीश कुमार ने अपना नामांकन दाखिल किया है, उनके साथ और भी कई नेता मौजूद रहे हैं। तो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पे कि नीतीश कुमार ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है और जेडीयू के कई नेता इस मौके पर मौजूद रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार, खालिद अनवर को विधान परिषद का उम्मीदवार तय किया गया है, इन्हें शुभकामनाएं दी गई हैं। और नीतीश कुमार नामांकन करने के बाद विधानसभा से बाहर निकल गए हैं, उनके साथ जेडीयू के सांसद ललन सिंह और उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी मौजूद रहे, तो एनडीए की एकजुटता का भी परिचय दिया गया है। तो लोग शांति बना, खालिद अनवर और संतोष कुमार सुमन ने भी नामांकन किया है। नामांकन के बाद विधानसभा अध्यक्ष से तीनों उम्मीदवारों ने मुलाकात भी की है और ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता अविनाश जुड़ गए हैं। अविनाश, नीतीश कुमार ने नामांकन दाखिल किया और किन्होंने नामांकन दाखिल किया है और क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आई है इस वक्त? देखिए, बिल्कुल, बिहार विधान परिषद के लिए नीतीश कुमार, बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, खुद आज नामांकन उन्होंने किया है, क्योंकि उनका पाँच मई को जो है वो उनका सदस्यता जो है परिषद के लिए वो खत्म होना था। उससे पहले आज उन्होंने विधान परिषद में और उनके साथ पार्टी के जो MLC थे जेडीयू के नेता डॉक्टर खालिद अनवर, वो भी उनके साथ उन्होंने भी नामांकन किया है फिर से MLC के लिए, और उनके साथ बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी थे, जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और वर्तमान सांसद ललन सिंह भी दिखे। तो कुल मिला के नीतीश कुमार ने आज, ये जो बड़ी खबर सुबह से चल रही थी कि नीतीश कुमार कब विधानसभा पहुंचेंगे और विधान परिषद के लिए जो नामांकन जो था वो कल से ही खबरें चल रही थी, और आखिरकार नीतीश कुमार ने नामांकन जो है कर दिया है। और बाहर जब नीतीश कुमार विधानसभा से बाहर निकले तो हालांकि पत्रकारों ने बहुत सारे सवाल किए, लेकिन नीतीश कुमार ने कोई जवाब नहीं दिया है और मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा कि हम बाद में आप लोगों से बात करेंगे, और नीतीश कुमार यहां से रवाना हो गए। बिल्कुल, उनके साथ साथ संतोष सुमन, खालिद अनवर, ये तमाम लोग भी मौजूद रहे हैं और सम्राट चौधरी और भी बीजेपी के कई नेता मौजूद रहे जिन्होंने एकजुटता का संदेश भी दिया है। अविनाश जी, जी जी बिल्कुल, देखिए संतोष सुमन जो लगातार ये कहते थे और अभी बिहार सरकार में मंत्री भी हैं, उन्होंने भी आज नीतीश कुमार के साथ अंदर गए हुए थे और बाहर निकलकर उन्होंने कहा कि जो जिस गठबंधन में अभी हैं और उस गठबंधन धर्म का हम पालन करेंगे और हमारी पार्टी और जिस गठबंधन में NDA गठबंधन में है उनके शीर्ष नेतृत्व जैसे हमको कमांड देंगे उस तरीके का काम हम करेंगे। संतोष सुमन ने बाहर निकलकर अभी अभी बयान भी दिया है। बिल्कुल, कहा जा सकता है कि देखिए इन दोनों की तो चुनकर आना तय है, क्योंकि दोनों ही बहुमत का आंकड़ा भी इनके पास है और अब कहा जा सकता है कि बिहार में लगता है कि सियासत भी खूब जमकर, सियासत का दौर भी शुरू हो गया है, चुनावी समीकरण भी आ रहे हैं और ऐसे में विपक्ष की तरफ से भी कई प्रत्याशियों का नामांकन होना है। बिल्कुल, देखिए बिहार की सियासत भी काफ़ी गर्म है और जिस तरीके से ये जो अब चुनावी साल है और लोकसभा का चुनाव इस वर्ष है, ऐसे में हर एक पार्टी के लोग कहीं ना कहीं अपनी एरी चोटी का दम लगाकर चुनाव में दमखम दिखाने के लिए तैयारियां भी कर रहे हैं और अलग अलग पार्टियों का अलग अलग रणनीतियाँ भी तैयार की जा रही है। और जिस तरीके से संतोष सुमन ने आज कहा कि हमारी पार्टी और हमारे गठबंधन के शीर्ष नेतृत्व जिस तरीके से हमको कमांड करेंगे उसी हिसाब से हम लोग काम करेंगे। हालांकि नीतीश कुमार का जो है ये उनका जो विधान परिषद का जो है वो अवधि वो 5 मई को समाप्त होना था, उससे पहले आज वो पहुंचे हैं विधान परिषद में और उनके साथ खालिद अनवर, संतोष सुमन जो बिहार सरकार के मंत्री हैं और हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। लगातार जीतनराम मांझी भी ये दावा करते रहते थे पहले कि हमारे पार्टी का इस NDA गठबंधन में एक अलग ही भूमिका है, हम लोग जैसे भी चाहेंगे पार्टी का रुख उधर मुड़ सकता है। ये जीताराम मांझी का बयान लगातार पहले भी आता रहा है और आज भी जीताराम मांझी यहाँ पर मौजूद है। हालांकि जीताराम मांझी ने कुछ वैसा बयान नहीं दिया है, लेकिन जीताराम मांझी भी आज यहाँ पहुंचे थे जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि अब बिहार की सियासी पारा जो है एकदम चरम पर है और चुनावी साल में सभी पार्टियां एक अलग ही तरीके से तैयारी कर रही हैं। अविनाश, टोटल 11 सीटें खाली हुई हैं, जेडीयू की तरफ से खुलासा कर दिया गया है, बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान अभी तक नहीं किया है।
जी बिल्कुल, देखिए ये गौरतलब है कि बीजेपी ने अभी तक जो है अपने उम्मीदवारों का नाम घोषित नहीं किया है और इस पर भी सवाल अब खड़े किए जा रहे हैं कि आखिरकार बीजेपी उम्मीदवारों के नाम और सूची निकालने में इतना पीछे क्यों है बिहार में, और इस पर भी अब विपक्ष जो है चुटकी कसने में पीछे नहीं है। और कल परसों जो तीन तारीख को जो महारैली हुआ उसमें भी राहुल गांधी ने सभा से कह दिया कि अभी तक बीजेपी ने जो लिस्ट जारी की उसमें बिहार से किसी भी प्रत्याशी किसी भी उम्मीदवार का नाम नहीं है। तो ये साफ संकेत देता है, उन्होंने हमला किया था कि ये से आप समझ लीजिए कि बिहार में बीजेपी का सफाया होना है। तो ये भी देखना होगा कि आखिरकार बीजेपी कब अपने उम्मीदवारों का लिस्ट घोषित करती है। बिल्कुल, और आरजेडी से एक नाम राबड़ी देवी का नाम तो लगभग तय ही है। देखने वाली बात यह होगी कि बीजेपी से जो शाहनवाज हुसैन थे उनके साथ पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और एक संजय पासवान का नाम है, तो इन्हें लेकर क्या निर्णय होता है, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई होंगी। बिल्कुल बिल्कुल, सबकी नजरें टिकी होंगी। देखिए, और शाहनवाज हुसैन हो गए क्योंकि शाहनवाज हुसैन को लेकर चर्चा भी हो रही है कि उनका नाम हो सकता है, और राबड़ी देवी जिन्होंने आपने जो जिक्र किया वो विधान परिषद की नेता विरोधी दल भी, और उनका नाम लगभग तय है कि राबड़ी देवी का नाम होगा विधान परिषद में आरजेडी के तरफ से। तो अब सिर्फ औपचारिक ऐलान बाकी है और कुल मिला के ये देखना होगा कि किनका किनका नाम सामने आता है, और बीजेपी जिस पर सवाल खड़े हो रही है बिहार में कि आखिरकार बीजेपी कब जो है अपने उम्मीदवारों का लिस्ट घोषित करती है। चलिए अभिषेक, अविनाश, फिलहाल तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कई नामों का सामने आना बाकी है, हालांकि 11 मार्च तक अंतिम तिथि है। इस बीच राबड़ी देवी जहां नामांकन दाखिल करेंगी, वहीं और भी कांग्रेस कोटे से भी कौन नामांकन दाखिल करता है देखने वाली बात होगी। वहीं बीजेपी से भी कई दावेदार हैं, शाहनवाज हुसैन और संजय पासवान, इन तमाम लोगों के नाम आ रहे हैं। तो किनके किनके नाम पर मोहर लगती है इसके लिए थोड़ा सा हमें भी इंतजार करना होगा। फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ 22 को। नमस्कार। आईआईटी जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर, फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स। फॉर योर ब्राइट फ्यूचर विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टोमार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें केस्टोमार्ट, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एवरी कस्टमर्स रिक्वायरमेंट्स। कॉल 9153989339।